स्माइल ने बता दिया परफेक्ट हो गया भाई ठीक है तो बैक टू द टॉपिक बच्चों वापस आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एंड आई टोल्ड यू पीपल दैट वी वर वर्किंग ऑन वी वर वर्किंग ऑन बच्चों वाइल लूप हम लोग काम कर रहे थे वाइल लूप के ऊपर और मैंने आप लोगों को बताया था वाइल लूप एंड कब होता है जब आपकी कंडीशन क्या हो वेन द कंडीशन इज फॉल्स और मैंने आप लोगों के सामने फिर कुछ कंडीशंस बनाई थी कि हम लोग को सिर्फ यहाँ पे कंडीशंस डेवलप करनी थी कि लूप शुड एंड विद अ नेगेटिव नंबर लूप शुड एंड विद अ पॉजिटिव नंबर लूप शुड एंड व्हेन द यूजर इज गोइंग टू एंटर ट्वेंटी लूप शुड एंड अगर लूप इस रेंज के अंदर है तो आपका लूप एंड हो जाना चाहिए सो लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे एंड लेट्स मेक अनदर कंडीशन ओवर हियर एक और कंडीशन जरा यहाँ पे आप डेवलप करते हैं And this can be the fifth case. And the fifth case, but is loop should and if value of grade is A, or B, ya phir C. तो अगर बच्चों यूजर ग्रेड की वैल्यू ए या बी या सी एंटर करता है तो आपका लूप जो है वो क्या हो जाना चाहिए एंड हो जाना चाहिए लेकिन अगर इसके अलावा कोई वैल्यू यूजर एंटर करता है तो आपका लूप आईट्रेड करे और आप वापस से री re रिक्वेस्ट करेंगे टू एंटर द वैल्यू फॉर ऑफ कोर्स ग्रेड तो हाउ वी कैन अप्लाई दिस कंडीशन बच्चों लेट्स स्टार्ट तो मैंने यहां पे अप्लाई कर अपना फिफ्थ केस लेट्स से व्हाइल grade is not equals to A and grade not equals to B and grade not equals to C. Do. So, bacho, this is the condition that we have created. अगर बच्चों आपके पास अगर user enter करता है ग्रेड की वैल्यू ए आपका लूप एंड हो जाएगा

एफ इज नॉट इक्वल टू बी ट्रू एफ इज नॉट इक्वल टू सी ट्रू वेन ऑल द कंडीशन आर ट्रू तो वाइड लूप बच्चोंट करेगा चलेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा नाउ लेट से यूजर एंटर बी बी इज नॉट इक्वल टू ए ट्रू बी इज नॉट इक्वल टू बी द कंडीशन इज फॉल्स एंड वॉट आई हैव डन मैंने यहां पर बच्चों को कौन सी लॉजिक लगाई हुई है बीच में एंड लॉजिक के अंदर अगर आपकी कोई एक वैल्यू भी बच्चो फॉल्स होगी तो आपका ओवरऑल लूप क्या हो जाएगा इट विल बिकम फॉल्स और आपका लूप एंड हो जाएगा सो so, अगर यूजर बच्चों एंटर करता है द वैल्यू फॉर द ग्रेट ए बी एस तो आपका लूप एंड हो जाएगा वन आपका लूप आईट्रेट करता रहेगा अनदर कंडीशन बच्चों द लास्ट कंडीशन लेट से लूप शुड एंड वैन यूजर एंटर्स वेन यूजर एंटर्स लेट से मैक आपका लूप एंड हो जाना चाहिए बच्चों जब यूजर एंटर करता है मैक एज नेम द वैल्यू ऑफ नेम अगर वो मैक एंटर करता है आपका लूप एंड हो जाना चाहिए तो बच्चों हमने यहां पर एक और कंडीशन डेवलप कर ली वाइल क्वल टू मैक आपका लूप चलता रहे ट्रू तो लेट से यूजर ने एंटर कर दिया बच्चों अली तो अली इज नॉट इक्वल्स टू मैक द कंडीशन इज ट्रू आपका लूप चलता रहेगा इफ यूजर एंटर्स द वैल्यू ऑफ नेम बच्चो एज मैक तो हमने कंपेयर करा मैक इज नॉट इक्वल टू मैक द कंडीशन बिकम फॉल्स एंड वेन कंडीशन इज फॉल्स आपका लूप क्या हो जाता है लूप आपका एंड हो जाता है बच्चों तो लूप आपका यहां पे एंड हो जाएगा So these are the six जो मैंने आप लोग के सामने डेवलप करी है वाइल्ड लूप अब जरा टाइम आ गया टू प्ले द गेम अब गेम खेलने काउटिंग so की इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे फॉर द वाइल्ड लुकट स्टार्ट मैंने अब आप लोग के सामने छोटे छोटे कोर्स लिखने वाला हूँ और आप लोग को बताने बच्चों वॉट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन जैसे हम लोगों ने फॉल्ड लुक क्ले किया था वी आर गोइंग टू परफॉर्म द सेम एक्टिविटी फॉर वाइल्ड लुक एंड मेन रीजन फॉर परफॉर्मिंग ओवर इज कि आप लोग का वाइल लूप का कॉन्सेप्ट फॉर रनिंग वाइल लूप आप लोग का क्या हो क्लियर अप हो जाए फर्स्ट केस लेट से काउंट इज इक्वल्स टू टेन वाइल काउंट इज

आप लोग मैक चैट पे आई थिंक डायरेक्ट मैसेज नहीं कर पा रहे चले आप कर लें फिलहाल एवरी मंथ पे मैसेज कर दें कामरान भी बता रहे फिफ्टीन मारिया भी बता रही तो बच्चों आई एम दिनर मैं जीत गया मैं जीत गया बच्चों मैं आप लोग को एक जाल में फंसाना चाह रहा था और आप सब उस जाल में फंस गए अब देखिए रिकेप करते हैं वाइल्ड लूप एंड कब होता है आप लोग लिख के बताएं मुझे वाइल्ड लूप एंड कब होता है जब कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स लिख के बता दे मुझे मैकशर्ट पे वेन वाइल लूप एंड तो मैंने यहां पे चेक करा द वैल्यू फॉर द वैल्यू फॉर बच्चों काउंट इज टेन आई कंपेयर ओवर हियर इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टी द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स बच्चों मेरा लूप यहीं पे क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा

is equals to 5 while count is less than sorry greater than equals to 1 2 output count count is equals to count plus 1 और यहीं पे आप लोगों ने क्या करवा दिया बच्चों एंड वाई तो दिस इज द सेकंड कोड बच्चों दैट वी है आई जस्ट वांट टू नो स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा अच्छा भाई बहुत सारे बच्चे दो मिनट दे देगा मुझे मैं जरा आ, मैक चैट को वो बना दू होस्ट बना दू ताकि आप लोग कुछ बच्चे पर्सनल आंसर कर रहे होंगे तो वो कर नहीं पा रहे होंगे ठीक हो गया अगेन बैक टू द टॉपिक ओके जी बच्चों मैक चैट पे लिख के बता दो भाई क्या क्या डिस्प्ले होगा जल्दी बता दें अच्छा जी अली काजी बोल रहे नथिंग मारिया बोलिए नथिंग भाई अब यार ऐसा तो नहीं करें भाई अजहर बोल रहे नथिंग मैं एक देखिए कॉमन सेंस यूज करें ना, अपना माइंड यूज करें लो पूरी क्लास ही बोलिए नथिंग अब देखे ड्राई रन करते जरा इसको द वैल्यू फॉर काउंट एज फाइव फाइव इज ग्रेटर टू वन ट्रू फॉल्स मनाहिल थैंक यू बेटा योर आंसर इज राइट योर आंसर इज रॉन्ग सॉरी मनाहिल आपका आंसर भी गलत है ट्रू तो वेन द कंडीशन इज ट्रू वाइल लूप आपके पास क्या करता है आई ट्रेड करता है मेरे पास मैंने आउटपुट कर वैल्यू फॉर द काउंट वॉज फाइव फाइव डिस्प्ले हो गया नाउ फाइव इज इक्वल टू फाइव प्लस वन नाउ द न्यू वैल्यू फॉर काउंट विल बी सिक्स एंड वाइ में ऊपर गया नाउ द वैल्यू फॉर काउंट बच्चों विल बी ग्रेटर वैल्यू फॉर काउंट विल बिकम सेवन मैं ऊपर गया मैंने चेक करा सेवन इज ग्रेटर टू वन कंडीशन इज ट्रू मैंने बच्चों यहां पे प्रिंट करा सेवन देन बच्चों द बिकम एट एट नाइन टेन

नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देता हूं अब आप लोग को इफ इट्स फॉल्स आंसर विल बी नथिंग अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स थी हमारे पास द आंसर वॉल्स नथिंग आपका लूप आउटपुट की स्टेटमेंट पे आई गई नहीं स्माइल डायरेक्टली क्या हो जाएगा एंड वाइल एंड वी आर डन खत्म एंड ठीक है रिजा ने सही आंसर दिया था भाई हमारे पास परफेक्ट मूविंग फॉरवर्ड थर्ड केस देखिए अब हल्के हल्की मैं आप लोग का डेवलप करना चाह रहा हूं कि आप लोग का वाइल्ड लुक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ठीक है नेक्स्ट केस थर्ड केस द थर्ड केस दैट वी हैव इज काउंट इज इक्वल्स टू टेन वाइल्ड count is less than equals to 22 do output count count is equals to count is equals to count plus 5 एंड वाइल नाउ बच्चो अगेन माई क्वेश्चन सेम विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा टेक यूर टाइम ड्राई रन करें खुद ड्राई रन करें और मुझे बताया बच्चों क्या डिस्प्ले होगा ठीक है आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर लेट सी बच्चो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर ओके अलीजा ने बता दिया कामरान ने बता दिया इस्माइल ने बता दिया इस्माइल और अलीजा का आंसर में देर इज अ डिफरेंस चले जरा चेक कर लेंगे अभी कि क्या कौन सही है कौन गलत है भाई हमारे पास ओके okay जी ड्राई रन द कोड ना बच्चों जरा करते मनाहिल ने भी बता दिया ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों का यही आंसर आ लेस देन इक्वल्स टू ट्वेंटी टू द कंडीशन इज ट्रू मेरा लूप आउटपुट करा बच्चों आउटपुट क्या होगा टेन नाउ टेन प्लस फाइव द न्यू वैल्यू फॉर काउंट विल बी फिफ्टीन मैं ऊपर गया यहाँ पे मैंने कंपेयर करा फिफ्टी टू ट्रू सर मैंने बच्चों 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 पे पे आउटपुट आउटपुट करा हुआ मैं ऊपर गया मैंने कंपेयर करा 20 इज लेस इक्वल टू 22 द कंडीशन इज ट्रू आपका लूप चला नाउ बच्चों मैंने आउटपुट करा 20 द वैल्यू फॉर काउंट विल बिकम ट्वेंटी फाइव मैं ऊपर गया मैंने कंपेयर करा 25 is इज लेस देन to टू the condition become बिकम और आपका loop क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा बच्चों बच्चों बहुत सारे ने सही बताया 10, 15 and 20 will be the output. ठीक है भाई perfect गुड जबरदस्त हो गया नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं यहां पे अब एंड लेट्स काउंट is इक्वल्स टू वन एक लाइन नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा बेहतर रहेगा काउंट इज equals टू वन वाइल काउंट इज लेस देन equals टू थ्री डू आउटपुट मैक सी एस काउंट

एम वेटिंग फॉर योर आंसर मैं आपके आंसर्स का बच्चों वेट कर रहा हूँ लेट सी अजर ने फॉर बता, बता दिया हमारे पास गुड मनाह ने भी फॉर बता दिया नाउ आई थिंक आर आप लोग को रीजा ने भी बता दिया इस्माइल ने भी बता दिया ऑलमोस्ट पूरी क्लास नहीं तकरीबन बता दिया हमारे पास सो योर आंसर बच्चो आर राइट आप लोग के आंसर बिल्कुल ठीक है थ्री टाइम्स लेकिन जिन बच्चों को थोड़ी सी भी आपके पास जीरो पॉइंट जीरो रन करके भी दिखा देता हूं बिकॉज ये कोड मैं आगे बहुत दफा करने मैंने क्या करा? करा. और आपको ऊपर चलता है लूप चला मैंने फर्स्ट टाइम प्रिंट करवाया बच्चों यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम बच्चों प्रिंट करवाया यहां पर

लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं होता हम लोग को को भी fixed number of times कर सकते हैं जैसे कि मैंने मैंने अभी इस code के इस के ऊपर करा करा क्या अब अगर यही मुझे बच्चों प्रिंट करवाना होता like, like, let's say 300 times, तो द चेंज चेंज वाज बच्चों ओनली ओवर ये थ्री की जगह क्या हो जाता 300 हो जाता अब आपका लूप कितनी दफा आइट्रेट करता तीन सौ दफा आपका लूप करता। जगह क्या से मुझे लूप को करवाना था फोर्टी टाइम्स तो बच्चों यहां पे 300 की जगह क्या आ जाता फोर्टी आ, like, तो आ, आ जाता तो यू जस्ट नीड टू चेंज दिस नंबर और बच्चों आप जितनी दफा आइट्रेट करवाना चाहे आप अपने वाइल लूप को आइट्रेट करवा सकते हैं

एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहां पे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आर प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करेंगे सी फिफ्थ केस दिस टाइम मैंने यहां पे लगाया काउंट इज इक्वल्स टू वन वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू टेन उूट डू आउटपुट काउंट एंड काउंट विल बी इक्वल्स टू काउंट प्लस वन और यहीं पर क्या करवा दिया मैंने एंड वाई सो माई क्वेश्चन विल रिमेन सेम बच्चो वॉट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन ओप सॉरी काउंट से कुछ काउंट प्लस 2 करना था भाई वन नहीं करना था तो माय क्वेश्चन विल रिमेन सेम बच्चों व्हाट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन मैच चैट मैच चैट के ऑप्शन में बच्चों मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं <coughs> कामरान हर दफा नथिंग भाई हर वक्त नथिंग <laughs> नहीं नहीं डिस्प्ले होगा कामरान क्यों नहीं होगा ट्रू के ऊपर चलता है ना आपका ये लूप चलेगा करो ना ट्रू के ऊपर जब चल रहा है तब तक चलेगा रिजा परफेक्ट अलीजा परफेक्ट अजर मुझे वैल्यूज बताओ बेटा प्रिंट क्या होंगी योर आंसर इज राइट मनाहिल योर आंसर इज राइट अज्जत आपका आंसर ठीक है कि 5 टाइम्स चलेगा ऑफ कोर्स 5 टाइम्स चलेगा लूप परफेक्ट परफेक्ट कमरा नहीं गलती कर दी बस बाकी अच्छा आंसर किया है नोट no, कोई कोई इशू नहीं गुड आंसर ओके जी बच्चों तो लेट्स सी इसको अब जरा ड्राई रन करते हैं द फर्स्ट वैल्यू फॉर काउंट इज 1 मैंने यहां पे कंपेयर करा मैंने यहां पे कंपेयर करा ये किसने आंसर करा भाई मैंने यहां पे कंपेयर करा उटपुट करा काउंट दैल्यू काउंट इज वन नाउ वन प्लस टू द वैल्यू फॉर होगा नाउ द वैल्यू फॉर काउंट बच्चो इज थ्री मैं ऊपर गया नाउ आई कंप्यूज लेस देन इक्वल टू टेन अगेन द कंडीशन इज ट्रू मैंने आउटपुट करा बच्चो थ्री और बच्चों थ्री के बाद फिर आपके पास ये फाइव हो जाएगा फाइव के बाद ये सेवन हो जाएगा सेवन के बाद बच्चों द वैल्यू विल बिकम दैल्यूल सेवन प्लस मैंने कंपेयर करउटपुट करा बच्चो नाइन नाउ नाइन प्लस टू नाइन प्लस टू द वैल्यू विल बिकम इलेवन मैंने कंपेयर करा इलेवन इज लेस देन इक्वल टू टेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स आपकी कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी और आपका लूप यहीं पे क्या हो जाएगा इट विल बी एंडेड तो अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यू प्रिंटेड अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर लेके टेंथ तक वन से लेकर ले भी ऑड नंबर ने क्या करवा दिए प्रिंट करवा दिए ठीक है सो दिस वॉज बच अनदर क्वेश्चन दैट वी डिड सो आई होप अब आप लोग का वाइल्ड लूप का थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो रीबिल्ट हुआ है आप लोग का uh, आप लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और फर्दर स्ट्रॉग हुआ है ठीक है अब हम लोग चलते हैं बच्चों थोड़ा से प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉपर क्वेश्चन फॉर सेशन एंड द क्वेश्चन बच्चो इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इनपुट सीरीज ऑफ नंबर्स इनपुट सीरीज ऑफ नंबर्स दैट शुड

तो जितने भी नंबर नेगेटिव वैल्यू एंटर करने से पहले यूजर ने एंटर करें तो बच्चों आपको उन numbers का क्या करवाना है आप लोग को numbers का क्या डिस्प्ले को, so, so, को पता है बच्चों जब भी आप लोगों को टोटलिंग करनी होती है वी ऑलवेज इनिशलाइज टोटल विथ जीरो स्टार्ट

आप लोग को पता है वेन एवर वी नीड टू परफॉर्म वी ऑलवेज निशलाइज टोटल विथ जीरो मैंने निशलाइज करवा दिया टोटल इज इक्वल टू जीरो नाउ अब मैंने यूजर से रिक्वेस्ट करी काइंडली काइंडली नंबर एंटर करे बच्चों मैंने यूजर से रिक्वेस्ट करी काइंडली नंबर एंटर करे सो दैट विल बी आउटपुट एंटर अ नंबर और मैंने यहां पे इनपुट ले लिया बच्चों इनपुट नम अब बच्चों अगर ये नम की वैल्यू नेगेटिव है इफ द वैल्यू फॉर दिस नम इज नेगेटिव माय लूप शुड एंड तो मैंने यहां पे कंडीशन डेवलप करी द कंडीशन विल बी बच्चो वाइल नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो डू तो जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो अगर मैं यहां पे नम की वैल्यू माइनस टू एंटर कर देता हूं, हूं बच्चों एंड हो जाएगा जब लूप स्टार्ट हुआ बच्चों मुझे टोटलिंग करनी थी एंड यू पीपल नो द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग इज द फॉर्मूला बच्चों फॉर टोटलिंग इज टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस तो आपने टोटलिंग कर ली अब टोटलिंग के बाद द लास्ट टास्क दैट वी नीड टू परफॉर्म इस हमें वापस से बच्चों क्या करना होगा हमें वापस से यूजर से रिक्वेस्ट करनी होगी टू एंटर अ नंबर अगेन टू एंटर द नंबर अगेन तो मैंने वापस से यूजर से रिक्वेस्ट करी कि वापस से री एंटर करो एक नंबर बिकॉज अगर यूजर वापस से री एंटर नहीं करेगा नंबर तो आपको पता है मैंने बताया था कि दिस लूप विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप ये चलता रहेगा चलता रहेगा कभी भी एंड नहीं होगा बिकॉज वेन एवर जब भी आपके इनपुट के ऊपर आपकी कंडीशन डिपेंड कर रही हो वी ऑलवेज गो फॉर टू वी ऑलवेज गो फॉर टू इनपुट और ये दो इनपुट बच्चों क्यों करते हैं हम लोग मैंने आप लोग को लिखवाया था वन जस्ट बिफोर द लूप स्टार्ट एंड वन जस्ट बिफोर द लूप एंड हमेशा हमेशा हमें दो इनपुट्स करने पड़ते हैं तो मैंने यहाँ पे सेकेंड इनपुट भी करवाया और यहां पर बच्चों मैंने प्लेस कर दिया एंड वाइल अब जरा इस कोड को बच्चों ड्राई रन करते हैं लेट्स से यूजर ने पहली वैल्यू एंटर करी नम की ड्राई रन का मतलब हम ऐसी रैंडम वैल्यूज डाल के चेक करें हमारा कोड किस तरह चल रहा है यूजर ने पहली वैल्यू एंटर करी बच्चों नम की लेट्स से इट वाज 20 तो so, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो द आंसर इज ट्रू द इनिशियल वैल्यू फॉर टोटल वॉज जीरो नाउ द वैल्यू फॉर नम इज ट्वेंटी नाउ द न्यू वैल्यू फॉर टोटल बच्चों विल बिकम ट्वेंटी अब यूजर से वापस से रिक्वेस्ट की गई वापस से नम की वैल्यू एंटर करो लेट्स यूजर एंटर वैल्यू फॉर नम एज फाइव मैं ऊपर गया यहां पे मैंने कंपेयर करा फाइव इज ग्रेटर देन टू जीरो कंडीशन अगेन इज ट्रू मेरा लूप चला द प्रीवियस वैल्यू फॉर टोटल वॉस ट्वेंटी द न्यू वैल्यू फॉर नम इज फाइव द न्यू वैल्यू फॉर टोटल विल बिकम ट्वेंटी फाइव अब यूजर ने थर्ड वैल्यू एंटर कर दी बच्चों लेट से 10 मैं ऊपर गया मैंने कंपेयर करा 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कंडीशन इज ट्रू तो बच्चों मैंने टोटलिंग कर ली नाउ द वैल्यू फॉर टोटल विल बिकम 35 अब मैंने यहां पे क्या करा यूजर ने एंटर कर दिया माइनस वन मैं ऊपर करा मैंने आगे चेक करा बच्चों माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो द कंडीशन बिकम्स फॉल्स आपकी कंडीशन यहां पे फॉल्स हो गई आपका लूप एंड हो गया जब लूप आपका एंड हुआ तो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी? दैट वी नीड टू दैट वी नीड टू डिस्प्ले द टोटल तो जैसे ये लूप एंड हुआ बच्चों मैंने पे टोटल डिस्प्ले करवा दिया एंड दैट विल बी आउटपुट टोटल इज इक्वल टू कॉमा टोटल सो गुड क्वेश्चन आई होप आप लोग बच्चों यह क्वेश्चन समझ में आएगा अगर कोई क्वेश्चन है कोई क्वाइरीज है फील फ्री टू आस्क ऑन मैच चैट लेट सी क्या सवाल है भाई आप लोग के यहाँ पे uh, इस क्वेश्चन में मनाही बेटा देखें मैंने यहाँ पे कोई काउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो दैट्स वाई मैंने कोई काउंट यहां पर डिक्लेयर नहीं करा सर कैन यू एक्सप्लेन वन मोर टाइम सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू मी अली मैं वापस से एक्सप्लेन कर ड्राइ रन से पहले किया था अली आई थिंक अब आपको शायद वापस से क्लियर हो गया होगा आप आपने क्वेश्चन ड्राई रन से पहले पूछा था आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी ओके okay, जी परफेक्ट सो so, कोई बच्चे का और कोई सवाल हो इस क्वेश्चन के अंदर अगर नहीं है तो सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन बाद हम लोग मूव ऑन करें आई थिंक दिस सीम्स फाइन अच्छा लग रहा है आगे बढ़ते हैं यहां पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अब बच्चों अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन एज वेल क्वेश्चन इज इनपुट नंबर्स एंड डिस्प्ले हाउ मैनी आर हाउ मैनी आर ग्रेटर देन सिक्स हंड्रेड अब देखिए और यहां पर एक छोटा सा नोट आ गया बच्चों आप लोग के लिए दैट नोट इज यूज मतलब आपको परफॉर्म करने बच्चों परफॉर्म का वर्ड यूज कर लेते हैं परफॉर्म यूजिंग बोथ लूप्स बोथ लूप कौन कौन से बच्चों फॉर लूप और वाइल्ड लूप तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को परफॉर्म करना है यूजिंग दोनों लूप यूज करते हुए आप लोगों को क्या करना है क्वेश्चन परफॉर्म करना है भाई दस नंबर इनपुट लेने और आपको बताने कितने नंबर वर ग्रेटर देन सिक्सटी लाइक यू नीड टू परफॉर्म द काउंटिंग ओवर हिस्स ठीक है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों आसान सा सवाल है सिर्फ दस नंबर इनपुट करना है और आपको चेक करना 60 है कितने नंबर ग्रेटर देन है सिक्स हंड्रेड है ठीक है तो फॉर लूप से मैंने यहां पे पहले परफॉर्म करा इट विल टेक अ मिनट आई डिक्लेयर द वेरिएबल्स वेरिएिक्लेयर इंडेक्स काउंट एंड न

इंडेक्स इज इक्वल टू वन टू टेन अब मैंने यहां पे यूजर से रिक्वेस्ट करी आउटपुट एंटर अ नंबर और यूजर ने बच्चों यहां पे इनपुट कर दिया इनपुट नंबर और अब मुझे चेक करना है क्या ये नंबर ग्रेटर देन सिक्स हंड्रेड है अगर ये नंबर ग्रेटर देन सिक्स हंड्रेड है तो मैं काउंटिंग करूंगा तो मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी इफ ग्रेटर देन सिक्स हंड्रेड देन काउंट विल बी इक्वल्स टू काउंट प्लस वन और यहीं पर मैंने क्या करवा दिया एंडिफ और यहीं पर मैंने क्या करवा दिया बच्चो नेक्स्ट इंडेक्स अब आप लोग को पता है बच्चों आप लोग का लूप आइट्रेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बी ऑटोमेटिकली बी इंक्रीमेंटेड बाई प्लस वन और आप लोग दस नंबर इनपुट करेंगे और अगर ये नंबर बच्चों ग्रेटर देन 600 हो देन होगा आप काउंट की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट करवा देंगे जब ये आपका लूप एंड हो जाएगा तो आप यहाँ पे काउंट को डिस्प्ले करवा देंगे एंड द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले दैट काउंट विल बी बच्चों आउटपुट नंबर्स ग्रेटर देन सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू कॉमा काउंट ब्यूटिफुल so, क्वेश्चन बच्चों में फॉर लूप से कर दिया अब यही सवाल मुझे किससे करना है आई नीड टू परफॉर्म द सेम क्वेश्चन विद वाइल लूप मुझे सेम सवाल बच्चों सॉल्व करना है बट दिस टाइम आई नीड टू यूज वाइल लूप सो लेट्स परफॉर्म जरा इस क्वेश्चन को भी बच्चों परफॉर्म करते हैं वाइल्ड लूप से तो यू कैन सी बच्चो अब मुझे यहां पे अपना अपना लूप आइट्रेट करवाना है मुझे यहां पे अपना लूप आइट्रेट करवाना है बच्चों हाउ मेनी टाइम्स वाइल लूप को मुझे आइट्रेट करवाना है हाउ मेनी टाइम्स टेन टाइम्स वाइल लूप को मुझे आइट्रेट करवाना है हाउ मेनी टाइम्स टेन टाइम्स मैंने सेम वेरिएबल्स यूज करे बच्चो डिक्लेयर index count num they are defined as integers now maine yahan pe count ko initialize karwa diya with zero count is equals to zero और मैंने यहां पे index को initialize करवा दिया बच्चों with one. अब देखिए जरा गौर करेगा मैं कर क्या रहा हूं मैंने यहां पे क्या करा मैंने बोला वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू टेन डू इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस वन एंड आई पुट एंड वाइल ओवर हियर तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आप कर क्या रहे किया क्या है आपने देखिए मैंने आई जस्ट क्रिएटेड आई जस्ट क्रिएटेड अ कंडीशन फॉर अ वाइल लूप दैट इट शुड आई ट्रेड टेन टाइम्स मैंने इंडेक्स को यहां पे इनिशियलाइज़ करवाया वन से मैंने डिफाइन करा मैंने डिफाइन करा इंडेक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू टेन और मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन और आई प्लेज एंड वाइल ओवर हियर

एंटर अ नंबर समझ रहे हैं आप लोग बात को मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया वाइल्ड लुक का वो टेन टाइम चलेगा ही चलेगा तो मुझे दस दफा चलाना स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा टेन टाइम्स चलाना है फोर्टी टाइम्स चलाना है आप वाइल्ड लुक का स्ट्रक्चर बना ले और फिर उसके अंदर काम कर ले तो दैट्स वॉट यू कैन डू एंटर अ नंबर और इनपुट नम और अब यहां पर आपने कंडीशन लगा दी इफ Now is greater than kya tha, less than the greater than 600 greater than 600 then of course we need to perform counting. So count will be equals to count plus one and if and I think we are done and why. एंडवाइल को ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा and while. तो बन गया क्वेश्चन बच्चों ख़त्म अब ये आपका लूप दफा चलेगा आप दस दफा नंबर एंटर करोगे और अगर वो नंबर आपके पास आपके पास नंबर अगर वो आपके पास सिक्स हंड्रेड से बड़ा होगा तो आप काउंटिंग करोगे और एट द एंड ऑफ द लूप आपने डिस्प्ले करवा दिया आउटपुट नंबर्स ग्रेटर देन सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू कॉमा काम सो पे बच्चों इस क्वेश्चन को मेन एम मेरा यहाँ पे क्या था आप लोग को ये चीज क्लैरिफाई करना कि भाई वाई लूप भी फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सकता है आपके पास आइट्रेट कर सकता है चल सकता है लूप तो चलता है ये आसान सा टास्क है फॉर लूप लेकिन वाई लूप को भी आप लोग क्या कर सकते हो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आइट्रेट करवा सकते हो एंड दिस इज वॉट आई हैव डन है यहां पर यही सेम काम परफॉर्म किया है बच्चों ओके okay जी बिफोर आई मूव फॉरवर्ड

आई होप आपको ये चीज स्माइल समझ में आ गई होगी ओके जी आ, मनाहिल ने हमें यहाँ पे पूरा आंसर बता दिया नहीं नहीं मनाहिल बेटा ये क्या कर रही है नहीं ऐसा नहीं कर सकते वो अलग बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हो गया ये चीज मैं करवाऊंगा लेकिन ये लास्ट में करेंगे बिल्कुल जब मैं आपको 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन कराऊंगा फिर इस तरह की स्टफ करवाऊंगा ये फॉर के अंदर वाइल वाइल के अंदर फॉर एंड सो ऑन आगे के बहुत ये आपके क्वेश्चन है ठीक है बट इन दिस वी है नाम है ना वेरियबल का नाम वेरी तो कर सकते हर जगह एक्स आ जाएगा हर जगह एक्स आ जाएगा यहां पर मैं जेड कर दू यहां पर हर जगह जेड आ जाएगा तो वेरियबल का नाम तो हमारी विश होती है बस तो हम सेंसिबल रखते हैं थोड़ा सा अच्छा सा रखते हैं so उंट इज डूंगाउ मेनी नंबर्स वर ग्रेटर देन सिक्स हंड्रेड वो काउंट के अंदर हम लोग काउंट कर रहे हैं इंडेक्स क्या काम कर रहे हैं चलो मैं ड्राइ रन करके दिखाता हूँ द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बी वन वन इज लेस देन इक्वल टू टेन सर कंडीशन इज ट्रू

आप उनके अंदर क्या कर लोगे? आप लोग काउंटिंग परफॉर्म कर लोगे। so I hope this makes sense बच्चों और आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आज इसको हम लोग तक होल्ड करेंगे और कल की क्लास के अंदर केट लूपीट अंटिल ठीक है और अभी ऐसा नहीं कि वाइल्ड लूप एंड हो गया वाइल्ड लूप से रिकॉल करवाऊंगा रिफ्रेश करवाऊंगा बट थोड़े कामरान आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर मैं बेटा आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूं ग्रुप के ऊपर ठीक है देखो तो जो नंबर यूजर एंटर कर स्माइल यूजर की मर्जी सिक्स हंड्रेड एंटर कर दे वो वो टू हंड्रेड एंटर कर दे एंड सो ऑन वो यूजर की मर्जी होती है हमारे पास अली बेटा आपके पास और और क्वेश्चन में अभी दूंगा आपको फिक्र नहीं करें वेट करें अभी थोड़ा ठीक है तो ठीक है बच्चों आज अजीत होल्ड फर्दर कैरी ऑन करेंगे थैंक यू अल्लाह टेक केयर एंड स्टे सेफ